आज सुबह से ही कमेंट सेक्शन में आप मेरी हर वीडियो में एक कमेंट कर रहे हैं कि हम ये बात जो सुन रहे हैं राहुल भाई कि 13 सितंबर को यानी कि 13 सितंबर को रोबो 2.2 का टीजर आने वाला है, क्या इसके पीछे सच्चाई है, क्या बातें हैं, क्यों पोस्टपोन हो रही है रोबोट की ये डेट्स, बताइए राहुल भाई बताइए। तो ऐसे में दोस्तों मैंने भी इधर उधर दिमाग लगाया और इधर उधर अपने जो सोर्सेज हैं उनसे पता चली हैं बातें, कुछ तो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम सब यही सोच रहे थे कि 15 अगस्त को रिलीज होगा गोल्ड फिल्म के साथ फिल्म का टीजर यानी कि रोबोट 2.0 का टीजर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है। जब मैंने अपने सोर्सेज से पूछा, रीजन बताया उन्होंने, ड्यू टू करुणानिधि जी का जो निधन हुआ था उस वजह से टीजर डेट को पोस्टपोन किया गया। उसके बाद 18 अगस्त को शंकर सर का बर्थडे था, फिर ये बातें आई थी कि 18 अगस्त को होगा, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो लास्ट अंतिम सेरेमनी हुई थी वो 18 अगस्त को हुई थी, जिसकी वजह से 18 अगस्त की वजह से एक ट्रिब्यूट देने की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक ट्रिब्यूट दिया शंकर सर ने और रिलीज डेट फाइनली जो है आगे खिसका दी। अब दोस्तों 13 तारीख को यानी कि 13 सितंबर को फाइनली आएगा रोबोट 2.0 का टीजर, रोबोट 2.0 जिसमें है हमारे थलाइवा यानी कि रजनीकांत सर, अक्षय कुमार साहब हैं उसमें, खिलाड़ी कुमार जिनकी रिसेंटली फिल्म रिलीज जो होती है गोल्ड जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर कमाती है, और इसमें है एमी जैक्सन और हमारे थलाइवा यानी कि रजनीकांत जी के बीच में एक रोमांटिक ट्रैक भी है जिसे बहुत ही ब्यूटिफुली शूट किया गया है, जिसकी एक छोटी सी वीडियो इंटरनेट पर रिलीज की गई थी बीबीसी के द्वारा, आप देख लीजिएगा वो अवेलेबल है। सो फाइनली दोस्तों ये बात सच है कि 13 तारीख को रिलीज होने वाला है रोबोट 2.0 जो कि 29 नवंबर को रिलीज होने वाली है इंडियन बॉक्स ऑफिस में, का एक प्यारा सा टीजर बनके तैयार हो चुका है, तो वेट कीजिए। नाउ फाइनली लेट मी नो कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपके इन क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे दिया उसके बारे में भी बताएं मुझे, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातों के लिए मैं हूं ना यार राहुल भोज, पूछिए मुझसे, ठीक है, टेक केयर।